पॉइंट टेबल पे एक अच्छा और पुश मिल सके, लेकिन फाइट की बात करें ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। शैडो यहाँ पे नॉक होंगे, नियो को जरूर से वहां पर डाउन किया गया था, बट ये जो स्प्रे गया स्कारल के साथ शैडो को डाउन करने के लिए इनफ था, मैच से बाहर भी कर देंगे उस ब्लास्ट के साथ। लेकिन जो चुनौती यहां से सैम रिवाइवल की खास करके होने वाली, यहां पे दो चीजों का बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा। पहला किस साइड से स्लैमिन आ रहा उसका इन्फॉर्मेशन, और साथ साथ जॉनाथन का यहाँ पे स्प्रे बहुत ज्यादा एक्यूरेट होना चाहिए। कुछ इस तरीके से कनेक्शन यहाँ पे ढूंढ चुके हैं, नॉक करने के लिए इनफ नहीं होने वाला है क्योंकि उनके पास एक रश का सहारा रहेगा। चॉय की बात करें काफी अच्छा मैचेस अभी तक उनकी तरफ से हम देखे, इंडिविजुअल जो स्टाइल है उनका प्ले स्टाइल वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव रहा, जिसके कारण एमवीपी के लिस्ट में सबसे ऊपर है। लेकिन उनके जो सामने है कुछ इसी तरीके से गेम, और ये भी आगे लेके जाना पसंद करते हैं। बट देखिए ट्राई रिवाइवल के लिए आप जा रहे हैं, बहुत ज्यादा ध्यान से जाना पड़ेगा। लेकिन जी गॉड की बात करें फ्लैंक लगा के आ चुका है, ये फ्लैंक इतना ज्यादा नॉक करने में यहाँ पे कामयाब हुई। देखिए जी गॉड की तरफ उनका ध्यान आ गया, ध्यान हटा, दुर्घटना घटा जब आपके जॉनाथन आपके सामने हो, तो ये चीजें बहुत बार होती है। जॉनाथन ने बिल्कुल सही टाइम में स्प्रे किया, नॉक किया रिवाइवल के लिए। सबसे पहले नियो को वहां पे टच करना पड़ेगा और जी गॉड को बैक टू बैक यहाँ पे स्प्रे करके अपनी तरफ उलझा के रखना होगा, टाइम बाय करना होगा, क्योंकि अगर लेफ्ट साइड उनका ध्यान जाता है सबसे बड़ी बात रही नूब यहाँ पे आए कैसे, कुछ समय पहले गॉडले की पोजीशन ये थी, लेकिन नूब की बात करें फ्लैंक करके यहाँ पे उन्हीं के पोजीशन में आते थे। जस्ट इमेजिन अगर इनको एंगल मिलता तो मुश्किल हो सकता, जॉनाथन को नहीं पता था, बट फर्क नहीं पड़ता, गन गेम बहुत ही ज्यादा कमाल का। एंटिटी के नूब को इस मैच से बाहर करेंगे, जो सब नजर आएगी बाकी तीनों की तीनों गाड़ियां पे निकल जाएंगे। ओमेगा ज्यादा शॉट यहां पे कनेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन अब प्रोनो करेगा उनको भी यहाँ पे दिक्कत इंक्रीज होते हैं, बट इसके बीच में टेस्ट बगी टोकने का टाइम नहीं था एंड दिक्कत इनके लिए इंक्रीज होने वाला बगी कर दी जाएगी। ब्लास्ट क्या यहाँ पे नॉक होंगे यार, नहीं बड़ा सवाल वन हमें देखने को मिल रहे। टीम सोल की बात करें स्टिल जो कोशिश है वो देखते काम भी प्राप्त कर पाएंगे यहाँ पर नहीं, बट जॉनाथन की तरफ से स्प्रे आएगा, गॉब्लिन को डाउन करेंगे। कुछ समय पहले यहाँ पे गॉब्लिन ने नॉक किया था, लेकिन वापस से यहाँ पे जवाब आता है जॉनाथन की तरफ से, तो काफी अच्छा एक फाइट यहाँ पे मिड रेंज से देखने को मिल रही है, जहाँ पे नुकसान होना अभी मेरे अनुसार मुश्किल हो हो जाते, बट ओमेगा थोड़ा सा यहाँ पे पीछे हटना चाह रहे थे बट हट नहीं पाए, नॉक वहाँ पे हो चुके, फिनिश भी कर दिए जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ओपन थे। अब गॉब्लिन की बारी आ चुकी है, गॉब्लिन जाएंगे क्लड को काफी आराम से यहाँ पे डाउन करने में कामयाब, दूसरे तरफ जा ही रहे थे लेकिन इनको भी शॉट पड़ेंगे, नॉक आउट हो चुके। लेकिन हेक्टर ट्राई काफी कमाल का चलता हुआ, अक्षत का भी अब साथ मिल चुका है, अब ये दो खिलाड़ी के ऊपर यहाँ पे देखते हैं क्या टीम सोल को संभाल पाएंगे या फिर एलिमिनेशन इनका देख पाएंगे। हेक्टर भी दूसरी तरफ यहाँ पे गिर चुके हैं, अक्षत अकलौते खिलाड़ी रहने, फाइट बहुत लंबा यहाँ पे चल रहा है क्योंकि कुछ और भी टीमें हैं जो मौके का यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं। दो खिलाड़ी को रिवाइव भी देना, थोड़ी को बाहर भी करना है, सर्कल का भी यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, फिलहाल सर्कल के अंदर है जो कि एक अच्छी बात रहने वाली, बट मुझे लगता है पहले रिवाइवल की तरफ जाना इन्होंने बेहतर ऑप्शन समझा। बट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे और नहीं हो पा रहे, लेकिन पिछले गेम में बात कर रहे थे हम सोल गॉब्लिन की फिफ्थ तक